कनाडा, जिस पर लंबे समय से खालिस्तान समर्थकों को शह देने और भारत विरोधी गतिविधियों को देखते हुए भी आंखें मूंदे रहने के आरोप लगते रहे हैं, उस कनाडा ने अब उल्टे भारत पर भी कई आरोप मढ़ दिए हैं। इसे लेकर भारत और कनाडा के बीच मनमुटाव बढ़ता ही जा रहा है। इसकी गूंज G7 समूह की बैठक में भी सुनाई दी, तो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली सरकार ने कनाडा में भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर भारत के खिलाफ नजरें तरेर ली हैं। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर के साथ कनाडा में हुई वारदात के पीछे भारत सरकार की साजिश हो सकती है। हालांकि इस तरह के तथ्यहीन और बेबुनियादी आरोपों पर भारत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही कनाडा सरकार के एक्शन पर टिट फॉर टैट वाला रिएक्शन देते हुए भारत ने यहां तैनात कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। साथ ही कनाडा पर एक बार फिर यह आरोप लगाया है कि उग्रवाद और आतंकवाद के आरोपों से जुड़े खालिस्तानी समर्थितों को शह देकर उसने दुनिया को अपना असल चेहरा दिखा दिया है और अपनी फजीहत से बचने के लिए ही उसने भारत पर ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। इस गरमाते मुद्दे पर चर्चा है कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थक भी अब खुलकर सामने आने वाले हैं। उनकी ओर से कनाडा में भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, जबकि इस पर अब विश्व सिख संगठन की ओर से भी प्रतिक्रिया आ गई है। विश्व सिख संगठन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कनाडा में रहने वाले कई सिखों को खतरा हो सकता है, क्योंकि कई कनाडाई सिख भारत की हिट लिस्ट में शामिल हैं। इस तरह से विश्व सिख संगठन ने भी भारत को लेकर अप्रत्यक्ष तौर से ये जता दिया है कि कनाडा में कुछ खालिस्तानी समर्थक सिखों के साथ हुई वारदातों के लिए भारत ही जिम्मेदार है। हालांकि विश्व सिख संगठन ने अपने ऐसे आरोपों को लेकर कोई तथ्य या प्रमाण पेश नहीं किए। उसकी ओर से जारी ऐसे बयानों से पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भी ऐसा शक जाहिर किया था कि कनाडा में सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर के साथ हुई वारदात के पीछे भारत सरकार की साजिश हो सकती है। ऐसे आरोपों के बाद कनाडा ने भारत के एक शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया। कनाडा की ओर से उठाए गए ऐसे कदम को लेकर कहा जा रहा है कि उसने खुद भारत के साथ संबंध बिगाड़ने की पहल कर दी है। उसकी ओर से ऐसा कदम तब उठाया गया जब भारत लगातार कनाडा को इस बात के लिए आगाह कर रहा था कि वो भारत विरोधी गतिविधियों को अपने देश में शह दे रहा है। दरअसल कनाडा में लंबे समय से सिखों के ऐसे गुट सक्रिय हैं जो अलग खालिस्तान की मांग करते रहे हैं, यानी वे सीधे सीधे भारत की संप्रभुता को चैलेंज करते रहे हैं। उनकी ओर से ये गतिविधियां कनाडा में सालों से जारी हैं, जिस पर भारत की ओर से कई बार आपत्ति जताई जा चुकी है, लेकिन कनाडा की सरकार ने भारत की ऐसी आपत्तियों को नजरअंदाज किया, जिसका खामियाजा ये हुआ कि कनाडा में ऐसे अलगाववादियों की संख्या बढ़ती गई। अब कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जिस हरदीप सिंह निज्जर को लेकर भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, वो दरअसल वहां सक्रिय कुछ खालिस्तानी नेताओं में से एक था। 45 वर्षीय हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को बड़ी सिख आबादी वाले वैंकूवर उपनगर सरे में एक सिख मंदिर के बाहर ठिकाने लगा दिया गया था। उसे भारत ने जुलाई 2020 में आतंकवादी घोषित किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।